गलती की सजा दे रहा है तू। आदित्य क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? अरे घर में इतनी सुशील बहू है और तू बाहर पराई औरत के साथ। जी जी, अरे अपनी जवान बहन का कुछ तो ख्याल किया होता, अब मैं तेरे माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। ताई जी, अब तेरी भूल की सजा तेरी बहन को मिल रही है। काकू भगवान। ताई जी, आप जाइए और जाकर सो जाइए। क्या क्या जानते हैं लाला आदित्य के बारे में? क्या जानते हैं बताइए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। अरे तो क्या जरूरत थी उसको सबके सामने जलील करने की? जलील मैंने किया उसे? अरे जलील तो वो खुद अपनी हरकतों से हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तू सही और गलत की पहचान नहीं रखता। पहचान आप नहीं पा रहे ना मुझे ना आदित्य को ना उसके परिवार को, किसी को नहीं। समीर, मैं बस इतना चाहता था कि आप लोग मेरी खुशियों में शरीक हो, शामिल हो, बस इतना। लेकिन आप लोगों ने सब बर्बाद कर, मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी सब। विद्या, ये सब कब हुआ? आदित्य की बेटी? ताई जी, मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। कम से कम बच्चों के सामने तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे इससे क्या, अब तो पूरा जमाना बात कर रहा है, इससे कब तक छुपाएगी? ले। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, जैसी भी है हम हमारी जिंदगी जी लेंगे। आप इतनी दूर से हमारी खुशियों में शामिल होने आई, थैंक यू वेरी मच। ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगा समीर के पिता से, मैं माफी मांगूंगा उनकी और मैं जानता हूं कि वो मान जाएंगे। चलो बस बस चुप हो जाओ, चलो बस। समीर तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गलती मेरी और मैं ही इसे सुधारूंगा। इसमें ना ही तुम्हारी गलती है और ना ही अंतरा की, बल्कि तुम तो इस बात का है कि मैं अपने भाई को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे सकी। कुछ नहीं। संभालो। आप जब अंतरा को लेकर आए तो भी मैं आपको ये दोषी समझती नहीं। मैं ये नहीं समझ सकी कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या है। मैं आपकी परेशानी नहीं समझ सकी। बस, बस, नहीं भैया, बस 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 नहीं।